हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज स्माइल 3.0 में आपको गृह कार्य मिला है इंग्लिश का। तो आज हम करेंगे बच्चों स्मॉल लेटर्स। तो आपको क्या करना है, रीराइट दीज लेटर्स इन प्रॉपर कॉलम। तो आपको ये जो लेटर्स दे रखे हैं, ये स्मॉल लेटर्स हैं अल्फाबेट्स के, तो आपको इनको प्रॉपर यानी सही जगह पर लिखना है। तो कहाँ पर लिखना है इनको आपको, ये दो लाइनें बनी हुई है बीच में, सब लेटर्स को इनके बीच में ही लिखना है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये बच्चों ए फॉर एप्पल है, तो ए फॉर एप्पल को आप यहाँ बीच में लिखोगे। ये बच्चों सी फॉर कैट है, तो आपको ध्यान रखना है कि बीच की दो लाइनों में लिखना है। तो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो बीच की दो लाइनों में लिखे जाते हैं। ई फॉर एलिफेंट, ये आई फॉर आइसक्रीम, एम फॉर मैंगो। तो आपको क्या करना है, इनकी पहचान भी हो जाएगी कौन सा लेटर है। और एन फॉर है नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज। तो ये बच्चों पूरे ABCD एक साथ नहीं लिखी हुई है, सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे दे रखी है। तो आपको इनको याद करना है, साथ में लिखना है। ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर आइसक्रीम, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज। ठीक है बच्चों, तो आप ये इस तरह से ये दो लाइनें कंप्लीट कर लीजिएगा सेंटर में, आपको ये चीज ध्यान रखना। बच्चों अगला है आर फॉर रोज। तो बच्चों देखिए, हम लोग नॉर्मल में आर फॉर रोज इस तरह से लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में। आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, मैम तो इस तरह से लिखती है इसलिए मैंने यहाँ इस तरह लिख दी। आपको बस ये ध्यान रखना है बीच के दो लाइनों में लिखना है। एस फॉर शिप, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन और डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सरे और ये बच्चों जेड फॉर केबरा। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लिखना आपको बीच की दो लाइनों में, ठीक है? ये भी बच्चों आर फॉर रोज, एस फॉर शिप, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन और डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सरे और जेड फॉर जेबरा। तो डब्ल्यू को भी बच्चों आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन जब हम नॉर्मल में लिखते हैं एबीसी तो स्मॉल लेटर्स में जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखते हैं। अब अगली वर्कशीट में बच्चों करना है, ये देखिए जो स्मॉल लेटर्स है ये वाले ऊपर की तीन लाइनों में आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करोगे, ये है बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, एच फॉर हैंड, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, टी फॉर टाइगर। तो देखिए बच्चों आपको कहाँ से शुरू करना है, इस वाली लाइन से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये हो जाएगा आपका बी फॉर बॉल। तो ये लेटर आपको तीन लाइनों में लिखने हैं इस तरह से, ठीक है? और ये हो गया बच्चों एच फॉर हैंड, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन और टी फॉर टेलीफोन। तो जैसा लिखा है बच्चों मैं वैसा भी आपको लिख दिखा सकती हूँ, चाहो तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा और चाहो तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन सिखाई है वैसे। एच फोर हैंड, फोर के फोर काइट, एल फोर लायन, टी फोर टेलीफोन। बच्चे आगे आपको इसी तरह इसको रिपीट करते जाना है, ठीक है? मैं आपको एक लाइन अपनी तरफ से लिख के दिखाती हूँ जैसे हम लिखते होते हैं नॉर्मली। टी फॉर डॉग, एच फॉर हैन और के फॉर काइट, एल फॉर लायन और टी फॉर टेलीफोन, ठीक है? तो आपको आगे इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब हम सीखेंगे कि कौन सा लेटर कहाँ लिखता है। जो एफ है बच्चों, एफ को क्या करते हैं ऊपर की तीन लाइनों में लिखते हैं एफ पर, फिर तो पी पी को बच्चों नीचे की तीन लाइनों में लिखते हैं, ठीक है? छोटी सी हल्की सी डंडी बाहर निकालनी होती है और नीचे की तीन लाइनों में। और जी फोर ग्रेप्स को भी बच्चों ऊपर की नीचे की तीन लाइनों में लिखते हैं, जे फोर जग को भी, और बच्चों ये है क्यू फोर क्यू फोर क्वीन,
इसको भी नीचे की तीन लाइनों में और वाई को या को भी नीचे की तीन लाइनों में। F for fish, बच्चों P for parrot को इस तरह से भी लिखा जाता है और G for bear, J for jug और K for queen और Y for yak। एक लाइन और आपको सिखा देंगे बच्चों, फिर आप करिएगा देख देख कर। F for fish और P for parrot, G for ग्रेप्स भी होता है, जी फॉर गन भी होता है, जी फॉर बोर्ड भी होता है। बस तो आपको ये ध्यान देना है कि किन किन लाइनों में लिखा जा रहा है वाई फोर। तो आपको बच्चों इस तरह से कंप्लीट करना है और आपकी जो खास स्माइल बर्ड ट्रिक का होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।